क्वेश्चन नंबर 31, दो चार्जेस दिए हैं, दो इक्वल चार्जेस दिए हैं जो कि ए और बी पर रखे हुए हैं और कैपिटल क्यू है चार्ज उनके ऊपर, उनके परपेंडिकुलर सेक्टर बाय सेक्टर पे थर्ड चार्ज क्यू रखा हुआ है, हमें उसकी लोकेशन बतानी है ताकि फोर्स उस पर ए और बी चार्ज क्यू जैसे मैक्सिमम हो, और मैक्सिमम फोर्स कितनी होगी ये भी हमें बताना है। दो चार्जेस दिए हैं ए और बी और उसके परपेंडिकुलर बायसेक्टर पे थर्ड चार्ज दिया हुआ है, सपोज ये एक्स डिस्टेंस पे है तो इसकी वजह से जो फोर्स है वो इधर होगी, इसकी वजह से जो फोर्स है वो इधर होगी, सिमिट्री है, ये वाला एंगल थीटा हो तो ये वाला एंगल क्या हुआ थीटा हुआ, ये भी एंगल क्या हुआ थीटा हुआ, ये वाला एंगल क्या हुआ थीटा हुआ, ये डिस्टेंस डी है, ये वाली डिस्टेंस कितनी डी बाई टू होगी, लेकिन ये वाली डिस्टेंस निकालने तो क्या होगा डी का स्क्वेयर अपॉन फोर प्लस एक्स स्क्वेयर अंडर डी इसके बराबर होगी। एफ की वैल्यू जो नेट फोर्स है यदि हम इसको रिजोल्व करें तो उसका एक कंपोनेंट तो इधर होगा एफ साइन थीटा और दूसरा कंपोनेंट जो इधर होगा एफ कोस थीटा, ऐसे ही इसको रिजोल्व करें तो इसका इधर वाला कंपोनेंट तो क्या हुआ एफ कोस थीटा और इधर वाला कंपोनेंट क्या हुआ एफ साइन थीटा, जो एफ साइन थीटा ये वाले कंपोनेंट तो क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे और इधर वाले कंपोनेंट जो है ऊपर की तरफ वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, जो नेट फोर्स होगी वो किसका होगी टू एफ कोस थीटा के बराबर होगी, एफ टू एफ एफ की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है के मान लेते हैं के क्यू इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस का स्क्वेयर वो किसके बराबर होगा डी स्क्वेयर अपॉन फोर प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर, ये होगा कोस थीटा, कोस थीटा निकालना था एक्स पोन दिस एक्स पोन डी स्क्वेयर प्लस फोर प्लस एक्स का स्क्वेयर अंडर डी रूट इसके बराबर होगी। अब ये जो फोर्स है उसको हमें मैक्सिमम करना है, यदि हम इस पॉइंट्स पे देखें यहाँ पे देखें ये यहाँ पे होता तो इसकी वजह से फोर्स इधर होती, बी की वजह से फोर्स क्या होती इधर होती, नेट फोर्स कितनी होती जीरो होती, यदि हम एक्स की डिस्टेंस इन्फिनिटी कर दें तो ये वाली डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी इन्फिनिटी हो जाएगी, तो इसकी वजह से फोर्स क्या होगी जीरो होगी, इसकी वजह से फोर्स जीरो होगी। जब ये सी क्यू चार्ज पार्टिकल स्मॉल क्यू चार्ज पार्टिकल इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता तब भी फोर्स जीरो है, जब यहाँ पे है तो भी फोर्स क्या है जीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ जब हम एक्स को इंक्रीज करेंगे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे चार्ज पार्टिकल को तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे फोर्स क्या होगी मैक्सिमम होगी और उसके बाद फोर्स क्या होगी कम होती जाएगी इन्फिनिटी पे जाके वो कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी। तो हमें यह तो पता चल गया कि एक्स की किसी वैल्यू के लिए फोर्स क्या होगी मैक्सिमम होगी, और वो पॉइंट निकालना हो तो उसके लिए क्या करते हैं सिंगल डेरिवेटिव को जीरो पुट कर देते हैं, तो इसका सिंगल डेरिवेटिव निकालते हैं डी बाई डी एक्स और एफ एन एफ और उसको भी क्या कर देते हैं जीरो पुट कर देते हैं, ये कंडीशन होती है। तो इसका डेरिवेटिव निकालना है तो जो कॉन्स्टेंट टर्म उसको पहले ही बाहर ले लेते हैं टू के क्यू क्यू ये तो बाहर आ जाएगा, नीचे वाली टर्म का स्क्वेयर ये टू है और आगे पावर जो है वन बाई टू ये वन हो जाएगा, ये वन बाई टू हो जाएगा डी स्क्वेयर अपॉन फोर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर थ्री बाई टू है, ये उसका स्क्वेयर करेंगे तो ये हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दें तो पावर कितनी थ्री बाई टू है और उसका स्क्वेयर करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वेयर अपॉन फोर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर थ्री बाई टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ डी का स्क्वेयर अपॉन फोर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर थ्री बाई टू और ये किसके बराबर है जीरो के बराबर है। तो इसको और सिंप्लीफाई करें जब ये जीरो के बराबर है ये टर्म तो नॉन जीरो तो ये वाली टर्म जीरो होनी चाहिए, तो हम इसको और सिंप्लीफाई करें और ये भी क्या नॉन जीरो है जीरो नहीं हो सकती स्क्वेयर कभी जीरो नहीं हो सकता, ये छोड़ देते हैं ये छोड़ देते हैं ये बचा तो हम इसको जीरो के बराबर करते हैं डी स्क्वेयर अपॉन फोर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर थ्री बाई टू डी एक्स अपॉन डी एक्स वन के बराबर होगा माइनस एक्स
इसकी पावर जो आगे आ जाएगी, एक पावर जो है कम हो जाएगी, डी स्क्वेयर अपॉन फोर प्लस एक्स स्क्वेयर, एक पावर कम हो जाएगी तो 1/2 बचेगा। इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव निकालें कॉन्स्टेंट टर्म का तो 0 होगा, एक्स स्क्वेयर का कितना होगा 2x होगा, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो ये नॉन जीरो था, ये नॉन जीरो था, ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, 0 होगी। अब इसमें से कॉमन क्या रहा है, डी स्क्वेयर अपॉन फोर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2 जो है वो कॉमन आ रहा है इसमें से और इसमें से, ये कॉमन आ रहा है। बचा कितना यहाँ पे, एक पावर बची, यानी डी स्क्वेयर अपॉन फोर प्लस एक्स स्क्वेयर ये बचा। इधर करें तो हमारे पास क्या बचा, माइनस एक्स इंटू 3/2 इंटू 2x इसके बराबर बचा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है। और यदि कोई टर्म ये जीरो, ये तो नॉन जीरो है, ये टर्म 0 के बराबर है, तो इसको और सिंप्लीफाई करें तो डी स्क्वेयर अपॉन फोर माइनस 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई करें तो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, डी अपॉन 2√2 के बराबर हो जाएगी। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू डी स्क्वेयर अपॉन 8, उसको हम निकाल सकते हैं डी अपॉन 2√2। इतनी डिस्टेंस पे जाके फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम होगी। हमें मैक्सिमम फोर्स भी बतानी है, यानी एक्स की वैल्यू जो है इसमें पुट कर देंगे, इसमें एक्स की वैल्यू पुट करें तो क्या होगा, तो जो नेट फोर्स है, नेट मैक्सिमम फोर्स जो है वो किसके बराबर होगी, 2k। k किसके बराबर होता है, 9 × 10⁻¹। मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। क्यू इंटू क्यू अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, डी अपॉन 2√2 के बराबर है। और यहाँ पे पावर कितनी है, 3/2 है, डी स्क्वेयर अपॉन फोर प्लस एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर की वैल्यू किसके बराबर, डी स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर करेंगे तो कितना अपॉन 8 की पावर 3/2 हो जाएगा। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करना तो नीचे एलसीएम 8 आ जाएगा, 8 ऊपर ऊपर ले जाते हैं 2, 8 की पावर 3/2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 की पावर जो है 3/2, और नीचे d की पावर 3 हो जाएगा, स्क्वेयर था, स्क्वेयर से कैंसिल होगा, d की पावर 3 इंटू डी, और नीचे 2√2 ये होगा, ये नुमान है के क्यू इंटू क्यू। तो इसको और सिंप्लीफाई करें तो 2 नीचे हो जाएगा 3√3, 8 को क्या लिखा जा सकता है, 8 × √8 ये लिखा जा सकता है, और ये किसके बराबर, रूट एट के बराबर है। नीचे क्या होगा, डी स्क्वेयर हो जाएगा, ऊपर के क्यू इंटू क्यू, इसे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/√3 के क्यू इंटू क्यू अपॉन डी स्क्वेयर, ये हमारा क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर दो करना हो तो, नहीं तो इतना ही छोड़ दो, वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले हमने नेट फोर्स निकाली वो कितनी होगी, फिर हमने उसका डेरिवेटिव निकाला, क्योंकि हमें पता है जब x की वैल्यू 0 है तो भी 0 है, x की वैल्यू इन्फिनिटी है तो भी फोर्स 0 है, तो बीच में कहीं पर उसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और उसके बाद उसकी फोर्स की वैल्यू, नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो हमने सिंगल डेरिवेटिव को 0 पुट कर दिया, उससे x की वैल्यू आ जाएगी, फिर x की वैल्यू जो है नेट फोर्स में पुट कर दी तो हमारी मैक्सिमम फोर्स आ जाएगी।